चुकी है और कितनी अच्छी तरीके से हमारी क्रीम का वॉल्यूम डबल हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप क्रीम को जब बीट करें, याद रखिएगा ओवर बीटिंग से क्रीम की शाइन ख़त्म हो जाती है, इसलिए आप क्रीम को ओवर बीट मत कीजिएगा। चलें आए हैं हम आपको अपना केक दिखाते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। देखें हमारे केक का स्पंज कितना बेहतरीन बना है। व्यूअर्स, अब हमें केक को दरमियान से दो स्लाइस करने हैं या तीन स्लाइस करने हैं, जिस तरह करने हैं हम वो कर सकते हैं। मैं यहाँ दो स्लाइस तीन स्लाइस करूँगी इसके। ये आप देख सकते हैं नाइफ़ को, जब हम केक की कटिंग करते हैं तो हमें ये ज़िगज़ैग ब्रेड नाइफ चाहिए होती है केक की कटिंग के लिए। अब हम केक को कट कर लेंगे। हल्का हाथ से प्रेस कीजिएगा, इसको घुमाते जाइए, इस तरह एक एक करके आपने तीनों स्लाइसेस कट कर लेने। बहुत ही पेशेंस से काम कीजिएगा, बहुत ही इत्मीनान के साथ रिलैक्स होकर काम करें। इसी तरह हम एक और स्लाइस भी इसका कट कर लें। आप देख सकते हैं हमने केक को मॉइस्ट करना शुरू कर दिया है। केक को अच्छे तरीके से मॉइस्ट कीजिएगा। बेस्ट केक का रिज़ल्ट वही होता है जो मुंह में जाके घुलना शुरू हो जाए। माउथ मेल्टेड केक होना चाहिए आपका। साथ में क्रीम डालेंगे हम और क्रीम को स्प्रेड करेंगे। ये देखें आप, क्रीम को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर, आप देख सकते हैं हमने यहाँ केक पे क्रीम स्प्रेड कर दी है। अब हम फ्रूट कॉकटेल इसके अंदर डालेंगे। आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं अंदर। अब हम इसी तरह दूसरा स्लाइस ऊपर रखेंगे, उसको मॉइस्ट करेंगे और क्रीम लगाएंगे और उसके ऊपर हम चॉकलेट चिप्स डालेंगे। व्यूवर्स, हमने सेकेंड स्लाइस के ऊपर भी क्रीम लगाकर इसको चॉकलेट जो हमने चॉकलेट खोचा था उस पर डाल दिया है। अब हम थर्ड और लास्ट फाइनल स्लाइस केक स्लाइसेस के ऊपर रखकर उसको मॉइस्ट करके क्रीम से कवर करना शुरू करेंगे। व्यूअर्स, अब आप ये देख सकते हैं हमने इस केक स्लाइस का, अब हम इस पर क्रीम डालना शुरू करेंगे। साइड्स पर भी क्रीम लगाते जाएंगे इस तरह। आप देख सकते हैं हमने केक को कवर कर लिया है, अच्छे तरीके से इसे स्मूथ करना शुरू कर दिया है। नाइफ को बार बार साफ करते जाइए। जितनी अच्छी आपकी नाइफ क्लीन होगी, आपके केक की फिनिशिंग उतनी ही बेहतरीन होगी। साफ टिश्यू या कोई साफ कपड़ा रख लीजिए और आप अपनी नाइफ को इसी तरीके से क्लीन करते जाइए। क्रीम से कवर करके स्मूथ कर लिया है। अब आप ये देखिएगा, हम इस पर कार्ड चलाएंगे। इस तरह का कोई कार्ड होना चाहिए जिसके पॉइंटेड, आप जैज़ या किसी भी कंपनी का टैगनों का कार्ड लेके उसके साइड एजेस को ऐसे के, या केक कॉम के नाम से कंघी भी बाज़ार में मौजूद होती है जिससे हम केक की साइड की लाइनिंग्स कर सकते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, हमने केक कॉम से लाइनिंग कर दी है। एक डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग लिया है, उसके अंदर हमने सीजर से आगे से कट करके और इसके अंदर हमने नोज़ल डाल दिया है। अब हम किसी ग्लास या किसी
चीज़ पर इसको इस तरह लगा के बाकी की तमाम स्टार नोज़ल हमने इसमें लगाया था, अब हम बाकी की तमाम क्रीम पाइपिंग बैग में फिल करके ये देखिए हम पहले किसी रफ में इस तरह निकाल के देखेंगे ताकि एयर वगैरह की वजह से जो आगे से ख़राब होती है वो ना हो। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमने इस तरह पाइपिंग बैग से क्रीम को कवर करके हमने डिज़ाइनिंग करना केक पे शुरू कर दी है। किचन में बहुत गर्मी है व्यूअर्स, आप ये काम एसी में कीजिएगा, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा इसका। व्यूअर्स आप किसी कटर या ग्लास की मदद से आप बीच में राउंड सर्कल का निशान दे सकते हैं, ये देखिए, और इसको हमने क्रीम की मदद से देख सकते हैं हमने इसको अंदर डिज़ाइनिंग करने के बाद चॉकलेट से फिल कर लिया है। चॉकलेट को ग्रेटर की मदद से खुर्चा था तो फिर उसके अंदर भी चॉकलेट डाल दी है। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं मैं फ्लावर पाइप करने जा रही हूँ इस पर। थोड़े थोड़े फासले से आप फ्लावर ड्रॉप कर लीजिएगा और इस पर चेरीज लगा दीजिएगा। ये जो ड्रॉप डाले हैं इस पर हम चेरीज, मैंने चेरीज को बीच से कट कर लिया था। बर्थडे वगैरह में आप केक बाहर से मंगवाते हैं तो अब आप अपने घर में बनाइए, आपको पता है बाहर किस तरीके से काम हो रहा है, कितनी दो नंबर चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। आप खुद बनाएं, अपने हाथों से बनाएंगे, पसंद भी आएगा, सेटिस्फेक्शन भी होगी, आपको ये भी पता होगा कि आपने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, किस तरीके से काम किया है। फ्रेंड्स अब मैंने 1 टेबल स्पून चॉकलेट में 1 टेबल स्पून क्रीम डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर रही हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई, अब हम इसको पाइपिंग बैग अपना बना कर कोन बना कर और इसके अंदर फिल कर रहे हैं और हम साइडों पर ड्रिजल करेंगे। हमने अपनी चॉकलेट साइडों पर ड्रिजल करना शुरू कर दिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे केक पर चॉकलेट कितने अच्छे तरीके से ड्रिजल हो गया। अच्छा फ्रेंड्स मेरे पास ये क्रीम बच चुकी है पाइपिंग बैग में, तो मैं इसको ज़ाया करने से बेहतर समझती हूँ कि ऊपर हल्की हल्की बॉर्डर्स पर मैं लगा दूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक रेडी हो चुका है और बहुत ही सफाई सुथराई के साथ हमने इसको अपनी तरीके से घर में तैयार किया है अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करके। आप भी घर में बनाइएगा और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज की आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अच्छा व्यूअर्स अगली रेसिपी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।